रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी के जरूरी शब्द जो काफी यूजफुल है, आज की इस वीडियो में जानेंगे इन सभी वर्ड्स का क्या यूज है और इसके बीच क्या अंतर है। तो चलिए शुरू करते हैं इन सभी वर्ड्स का यूज और अंतर। सबसे पहले मेरे पास है टुवर्ड्स होम। टुवर्ड्स होम का मतलब होता है किसकी तरफ, किसकी तरफ से मतलब है कि किस व्यक्ति की तरफ, किस पर्सन की तरफ। इसका फॉर्मूला होगा टुवर्ड्स होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। एग्जाम्पल, तुम किसकी तरफ देख रहे हो, मतलब कि किस व्यक्ति की तरफ देख रहे हो। सेंटेंस होगा टुवर्ड्स होम आर यू लुकिंग, टुवर्ड्स होम आर यू लुकिंग, तुम किसकी तरफ देख रहे हो, वो किसकी तरफ काम करता है। टुवर्ड्स होम डज ही वर्क, यहाँ पर होम से मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट को हम जानना चाहते हैं जिसकी तरफ तुम देख रहे हो। इस बार से देख सकते हैं, जिसकी तरफ तुम काम करते हो, ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए आप होम का यूज करते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं गाइस। आगे है इन व्हाट वे, इन व्हाट वे का मतलब होता है किस तरह से। जब आपको बोलना हो तुम किस तरह से काम करते हो, वो किस तरह से बाइक चलाता है, इसके लिए आप लिखेंगे इन व्हाट वे। इसका फॉर्मूला होगा इन व्हाट वे प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। एग्जाम्पल, तुम किस तरह से कर लेते हो, तुम यह किस तरह से कर लेते हो। सेंटेंस बनेगा इन व्हाट वे डू यू डू इट, इन व्हाट वे डू यू डू इट, तुम किस तरह से यह कर लेते हो। यहाँ पर जो डू है आपका पहला डू, ये डू आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये डू आपका मेन वर्ब है। इसी बार से रवि किस तरह से अंग्रेजी बोलता है, इन व्हाट वे डज रवि स्पीक इंग्लिश, इन व्हाट वे डज रवि स्पीक इंग्लिश, रवि किस तरह से अंग्रेजी बोलता है। तो ऐसे आप देख पा रहे हैं कि इन व्हाट वे यूज किया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से, बस आपको प्रैक्टिस करना है, सेंटेंसेस बनानी है। व्हाट व्हेन, व्हाट व्हेन का मतलब होता है तो क्या या तब क्या। जब हम बोलते हैं तो क्या तुम नहीं जाओगे, तो क्या तुम अंग्रेजी बोलना नहीं चाहते हो, तो क्या तुम बाजार नहीं जा सकते हो, तो इसे हम बोल रहे हैं वहां पर हम बोल सकते हैं व्हाट व्हेन। इसका फॉर्मूला होगा व्हाट व्हेन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। एग्जाम्पल है तो तब क्या तुम चाहते हो, तब क्या तुम चाहते हो। सेंटेंस होगा व्हाट व्हेन डू यू वांट, व्हाट व्हेन डू यू वांट, तब क्या तुम चाहते हो। रवि तब क्या खरीदेगा, अब बोल सकते हैं कि रवि कोई चीज खरीद रहा है और क्या मन हुआ वो खरीदना नहीं चाहता है, तो मैं पूछता हूँ रवि तब क्या खरीदेगा, तो तब क्या खरीदेगा इसके लिए बनेगा व्हाट देन। और यहाँ पर व्हाट देन, व्हाट देन विल रवि बाय, व्हाट देन विल रवि बाय, व्हाट देन डू यू वांट, तो क्या तुम चाहते हो, व्हाट देन डू यू वांट, ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं बहुत इजी तरीके से। व्हाट देन मतलब तो किया या तब किया, तो ऐसे हम सेंटेंसेस यहाँ पर बना सकते हैं काफी इजी तरीके से। इसी बार से है व्हाई सो, व्हाई सो का मतलब उस जगह ऐसा क्यों। जब हम बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम ऐसा क्यों पढ़ रहे हो, तो हम बोल सकते हैं वहां पर व्हाई सो। जैसे कि व्हाई सो प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। एग्जाम्पल है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, व्हाई सो आर यू डूइंग, व्हाई सो आर यू डूइंग, या फिर शायद तो इस सो को हम लास्ट में भी लिख सकते हैं कि व्हाई आर यू डूइंग सो, व्हाई आर यू डूइंग सो, ऐसे भी बोल सकते हैं, और व्हाई सो आर यू डूइंग ये भी आपका सही है। इस बार से रोहित ऐसा क्यों बोल रहा है, व्हाई सो इज रोहित स्पीकिंग, व्हाई सो इज रोहित स्पीकिंग, रोहित ऐसा क्यों बोल रहा है, व्हाई इज रोहित स्पीकिंग सो, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। सो गाइस आगे हैं मे हैव, मे हैव का मतलब उस जगह चुका होगा और ये आपका बताएगा संभावना। जब हम बात करते हैं कि संभावना कि वो रवि काम कर चुका होगा, तुम जैसे बोलते ना कि प्रिया खाना बना चुकी होगी, ऐसा काम जो फिनिश हो चुका हो और उसमें हम संभावना की बातें कर रहे हैं, तो वहां पर हम मे हैव यूज कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट मे हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल, रवि बाजार जा चुका होगा। सेंटेंस होगा रवि मे हैव गॉन टू मार्केट,
रवि मे हैव गॉन टू मार्केट, रवि बाजार जा चुका होगा। इस बार से अमन कार खरीद चुका होगा, तो अमन मे हैव बॉट अ कार, अमन मे हैव बॉट अ कार, अमन कार खरीद चुका होगा। जब कोई काम हो चुका होगा और वहां पर आप संभावना की बातें करते हैं तो मे हैव यूज कर सकते हैं। हैव बीन टू का मतलब उस जगह कभी गए हो, ऐसा हम यूज करते हैं। अब इससे कैसे सेंटेंस बनेगा वो देखिए। इसका फॉर्मूला होगा हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस एवर प्लस बीन टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल होगा क्या तुम कभी ताजमहल गए हो, मतलब कि क्या तुम कभी ताजमहल देखने गए हो, तो सेंटेंस बनेगा हैव यू एवर बीन टू द ताजमहल, हैव यू एवर बीन टू द ताजमहल। यहाँ पर जो बीन है इस बीन से मतलब है यहाँ पर गॉन का, क्योंकि स्पीकिंग में बहुत यूज होता है। हैव यू एवर बीन टू द ताजमहल, हैव यू एवर बीन टू दैट प्लेस, ऐसे हम यूज करते हैं। तो बीन यहाँ पर मतलब है बीन से गॉन का। इस बार से क्या तुम कभी लाल किला गए हो, क्या तुम कभी लाल किला गए हो, तो सेंटेंस होगा हैव यू एवर बीन टू द रेड फोर्ट। तो सेंटेंस हम ऐसे बना सकते हैं हैव बीन टू की मदद से। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हैव सब्जेक्ट, फिर आपका यहाँ पर एवर, हैव यू एवर बीन टू द रेड फोर्ट, हैव सब्जेक्ट एवर बीन टू प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी बात से है डू, डू मतलब होता है कोई काम करता तो है, तुम बाजार जाते तो, तुम अंग्रेज से बोलते तो, वो खाना पकाती तो है। इस पार्ट से जब हम वाक्य बोलते हैं तो उस समय हम यूज कर सकते हैं डू का, जिसे आप कहते हैं इम्फेटिक सेंटेंस। इसमें आप यूज करेंगे सब्जेक्ट डू प्लस वर्ब, इस वर्ब से मतलब है मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल वे लोग अंग्रेजी सीखते तो है, सेंटेंस होगा दे डू लर्न इंग्लिश। या फिर जैसे बोले वे लोग अंग्रेजी सीखते हैं तो दे लर्न इंग्लिश सिंपल होता है, लेकिन अगर आप बोलते हैं वे लोग अंग्रेजी सीखते तो हैं, आप इम्फेसाइज कर रहे हैं। इम्फेसाइज जब आप करेंगे तो वहां पर आप डू यूज करेंगे दे डू लर्न इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी सीखते तो हैं, आप बाजार जाते तो हो, यू डू गो टू मार्केट, वे लोग क्रिकेट खेलते तो हैं, दे डू प्ले क्रिकेट, ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। हम लोग समय पर खाना खाते तो हैं, सेंटेंस होगा वी डू ईट फूड ऑन टाइम, वी डू ईट फूड ऑन टाइम, हम लोग समय पर खाना खाते तो हैं, ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं कई सारे। इससे बगैर से आगे इन स्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट, इसका मतलब होता है के बावजूद भी, के बावजूद भी के लिए हम यूज करते हैं इन स्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट। कैसे यूज करते हैं, इन दोनों के बीच क्या अंतर होगा वो भी समझिए। जैसे बोलते हैं इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट प्लस ऑब्जेक्ट होगा, फिर आपको लगाना है कॉमा, फिर आपका क्लॉज होगा जिसमें कि सब्जेक्ट और वर्ब एटलीस्ट होगा उसमें। जैसे कि कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी वो पास नहीं कर पाया। अब कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी, यहाँ पर बावजूद भी जो आया हुआ है इसके हम यूज करेंगे इन स्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट। जैसे आप बोलते हैं इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी कॉमा ही कुडंट पास, वो पास नहीं कर पाया। इसी बार से बुखार होने के बावजूद भी वो ऑफिस गया, तो सेंटेंस कैसे बनेगा डिस्पाइट हैविंग फीवर ही वेंट टू ऑफिस, डिस्पाइट हैविंग फीवर बुखार होने के बावजूद कॉमा ही वेंट टू ऑफिस, वो ऑफिस गया। ध्यान ये रखना है कि डिस्पाइट में ऑफ नहीं लगता है और यहाँ पर आपका इन स्पाइट ऑफ लगता है, इस बातों को ध्यान में रखना है। बाकी सेंटेंस में यूज आप कर सकते हैं काफी आसानी तरीके से। बिसाइड या फिर बिसाइड्स, इसका मतलब होता है के अलावा या बगल में। आप कैसे बोलते हैं इसे, सब्जेक्ट वर्ब बिसाइड या बिसाइड्स प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल मेरे पास है इसे रमेश मेरे बगल में, तो बगल में अगर बात होगा तो क्या यूज करेंगे इसे, रमेश इज बिसाइड्स मी, बिसाइड्स मी मतलब क्या मेरे बगल में। रवि तुम्हारे बगल में है, रवि इज बिसाइड्स यू, आप चाहे तो नेक्स्ट टू का भी यूज कर सकते हैं। ऐसे कई सारे वर्ड्स है इसका आप यूज कर सकते हैं बगल में के लिए, लेकिन यहाँ पर समझिए बिसाइड्स मतलब होता है बगल में, किसके बगल में उसे आप बिसाइड्स के बाद लिखेंगे। इसके बाद अंग्रेजी के अलावा तुम क्या क्या जानते हो, आप किसी से पूछ रहे हैं कि अंग्रेजी के अलावा तुम क्या क्या जानते हो, यहाँ पर जो बिसाइड है इस बिसाइड से मतलब है इन एडिशन टू, मतलब कि इसके साथ साथ तुम और क्या जानते हो, ये तो अंग्रेजी तो जानते ही हो, इसके साथ साथ और क्या जानते हो, अंग्रेजी जानते हो, मैथ जानते हो, फिजिक्स जानते हो, केमिस्ट्री जानते हो, क्या जानते हो।
व्हाट ऑल डू यू नो बिसाइड इंग्लिश, व्हाट ऑल क्या क्या डू यू नो बिसाइड इंग्लिश, अंग्रेजी के अलावा तुम क्या क्या जानते हो। ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं बिसाइड इंग्लिश, इंग्लिश के अलावा, ऐसे हम समझ सकते हैं इंग्लिश के साथ साथ। आगे मेरे पास अफेक्ट या फिर इफेक्ट, ये दोनों का मतलब होता है प्रभाव या फिर असर बोल सकते हैं। इनमें से एक वर्ब है और एक नाउन है। इससे आप बोलते हैं अफेक्ट, तो अफेक्ट मतलब होता है प्रभाव या असर, प्रभाव पड़ना ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि अफेक्ट जो है ये आपका सेंटेंस में एक वर्ब के तरह काम करता है। और जो आपका इफेक्ट है इसका भी मतलब प्रभाव, जो कि एक नाउन के तरह सेंटेंस में काम करता है। तो कोई आपका नाउन है और कोई आपका वर्ब है, मीनिंग लगभग सेम है। कोई आपका एक्शन है और कोई आपका नाउन है। इसी बार से यह दवाई मुझ पर असर नहीं करता है, यह दवाई मुझ पर असर नहीं करता है। असर करना यहाँ पर वर्ब है, तो यूज होगा अफेक्ट, ए वाला सेंटेंस होगा दिस मेडिसिन डजंट अफेक्ट ऑन मी, दिस मेडिसिन डजंट अफेक्ट ऑन मी, यह दवाई मुझ पर असर नहीं करता है। इस बार से इसका प्रभाव बहुत खतरनाक है। अब इसका प्रभाव, कोई चीजों का प्रभाव या पर एक्शन नहीं है, तो संदेश होगा आपका इफेक्ट। जैसे कि इट्स इफेक्ट इज सो डेंजरस, इट्स इफेक्ट इज सो डेंजरस, इसका प्रभाव बहुत खतरनाक है। इसे आप समझ सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं। यहाँ पर आपका एक नाउन की तरह है और यहाँ पर आपका एक वर्ब की तरह है। ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं गाइस काफी सारे। आगे है टू बी, जो बताएगा कि किया जाना था। यहाँ पर इम्फेसाइज करके बोलते हैं कि कोई काम किया जाना था, जोर देकर बोलते हैं। जब जोर देकर बोलते हैं कि ये काम किया जाना था बट नहीं हुआ है, उसमें गुस्सा हो रहा है, लोग क्रोधित हो रहे हैं, ऐसा आप समझ लेते। ऑब्जेक्ट प्लस हैड टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि ये पैसिव की तरह बनता है। ऐसे पत्र लिखा जाना था, आपको बोला कि पत्र लिखा जाना था बट लिखा नहीं गया है, कारण क्या है, व्हाट्स रीजन, जस्ट आई वांट टू नो। तो संदेश बनेगा अ लेटर या फिर द लेटर हैड टू बी रिटन, द लेटर हैड टू बी रिटन, पत्र लिखा जाना था, रवि को बुलाया जाना था, रवि हैड टू बी कॉल्ड, रवि हैड टू बी कॉल्ड, रवि को बुलाया जाना था। ऐसे हम सेंटेंसेस काफी सारे बना सकते हैं जहां पर हम यूज करते हैं हैड टू बी। यूज्ड टू बी, यूज्ड टू बी का मतलब होता है हुआ करता था, कोई चीज हुआ करता जैसा। सब्जेक्ट यूज्ड टू बी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल, आकाश एक शिक्षक हुआ करता था, आकाश यूज टू बी अ टीचर, आकाश यूज टू बी अ टीचर, आकाश एक शिक्षक हुआ करता था, तुम ईमानदार आदमी हुआ करता था। संदेश होगा यू यूज टू बी एन ऑनेस्ट मैन। इस संदेश को कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि वो अभी डिसऑनेस्ट हो चुके हैं, वो पहले ईमानदार हुआ करता था। तो तुम ईमानदार पहले हुआ करता था, यू यूज टू बी एन ऑनेस्ट मैन। सो ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। आगे मेरे पास सेविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म से बताएगा कोई काम करके या कोई काम करने पर या कोई काम करने के बाद, ऐसा मीनिंग देगा। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, वो खाना खाकर बाजार गया, ही वेंट टू मार्केट हैविंग ईटन। अब देखिए, ही वेंट टू मार्केट, वो बाजार गया हैविंग ईटन, खाकर, अब खाना खाकर, तो आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं हैविंग ईटन द फूड, ऐसे संदेश आपका बन जाएगा। रमेश अपना काम पूरा करके सो गया, संदेश होगा रमेश स्लेप्ट, रमेश सो गया हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम पूरा करके रमेश सो गया, रमेश स्लेप्ट हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, संदेश समय से बना सकते हैं। आगे मेरे पास बाय के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो बताएगा कोई काम करके, कोई काम करके वो ये करता है, संदेश बनेगा आपका इस पर से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। जैसे आप बोलते हैं वो नौकरी करके पैसे कमाता है, ही गेट्स मनी बाय डूइंग अ जॉब, वो नौकरी करके पैसे कमाता, ही गेट्स मनी, वो पैसे कमाता है। गेट मतलब भी आपका कमाना होता है, गेट के वीडियो लेक्चर में मैंने इसे बता रखा है, इस पर से आप समझ सकते हैं। रवि पढ़ा के पैसे कमा रहा है, रवि इज मेकिंग मनी बाय टीचिंग, बाय टीचिंग, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टीचिंग आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, डूइंग आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। इस पर से आप देख सकते हैं कोई काम करके कोई काम करना, मतलब कि बाय के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। लेकिन स्पीकिंग में क्या होता है, कोई काम करने के बाद से बोलते हैं कि मैं खाना खाकर तुम्हारे पास आता हूँ, आई कम टू यू बाय ईटिंग फूड, आई कम टू यू बाय ईटिंग फूड, मैं खाना खाकर तुम्हारे पास आता हूँ, ऐसे बोलते हैं, तो बाय से भी बना सकते हैं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल
फॉर टुडे।